दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार आपात स्थिति में घर पर ही ऑक्सीजन पहुंचाएगी। जी हां, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक सिस्टम विकसित किया है। सरकार के इस कदम से अस्पतालों में भीड़ कम हो सकती है। होम आइसोलेशन में रह रहे जिन मरीजों के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो दिल्ली सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड और कोरोना संक्रमित रिपोर्ट भी अपलोड करना होगा। अगर मरीज ने सीटी स्कैन करवाया है तो उसकी रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद डीएम कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। बाद में जरूरत पड़ने पर इसे रिफिलिंग प्लांट से सिलेंडर रिफिल करवाने का पास भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में 50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। कोरोना मरीजों की गंभीरता को देखते हुए डीएम को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि किस मरीज को जल्द ऑक्सीजन की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के दिल्ली के हर जिले के लिए 20 ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा तय कर दिया है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को घर पर ही सुविधा दी जाए जिससे कि अस्पतालों में भीड़ कम हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों को केंद्र द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामले में सुनवाई कर दी है। केंद्र विभिन्न राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। केंद्र ने यह भी कहा है कि अगर दिल्ली को इतनी सप्लाई आगे की जाती रही तो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार आधी रात तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने की कोशिश करे। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से आपस में चर्चा कर ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना भी पेश करने के लिए कहा।